हेलो एवरीबॉडी, मायसेल्फ दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम में हमने क्या देखा था? राइट टू फ्रीडम में हमने ये देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे तरह तरह के राइट्स दिए गए हैं। उन सारे राइट्स को मैंने आपको एक मतलब कह सकते हैं कि टच किया था, सारे राइट्स को मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से राइट्स हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कहानी सुना दी थी। अब देखिए क्या है, अब उन राइट्स में से हर राइट की एक अपनी अलग कहानी है, तो हर राइट के लिए क्या बनना चाहिए? अलग वीडियो बनना चाहिए, ठीक है? तो हम वो समझते हैं। तो राइट टू फ्रीडम के चलते आपको एक राइट क्या मिलता है, एक अधिकार क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप बोल सकते हैं आप जो चाहते हैं और आप उन्हीं चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने तरीके से उन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों चाहिए? देखिए, Everyone's idea of thinking is different and he she should have the freedom to express them. मतलब हर आदमी का सोचने का, समझने का तरीका, चीजों को करने का क्या होता है, अलग होता है। होता है नहीं होता है, मानते हो आप मानते नहीं? देखो क्या है, क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हो सकता है उस तरीके से मैं ना सोचता हूँ, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ चीजों को हो सकता है आप ना सोचते हो, ठीक है? आपका किसी चीज को लेकर कुछ और ओपिनियन होगा, मेरा किसी चीज को लेकर कुछ और ओपिनियन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले लें SST, मुझे पसंद है, हो सकता है आपको पसंद ना हो, आपको भी पसंद है, हो सकता है, जैसे आपको मैथ्स पसंद हो सकता है मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। तो क्या है, हर आदमी की अलग अलग चॉइस होती है, हर आदमी के अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं, हर आदमी के अलग अलग क्या होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, और उसे उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की, उस ओपिनियन को कहने की, लोगों को बताने की पूरी आजादी होना चाहिए, और यह आजादी आपको दी गई है, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप अपने विचारों को अपनी स्पीच के थ्रू और दूसरे भी मींस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? यू मे डिसएग्री विथ अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन, एंड यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज देम। ये चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेके आई है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, बहुत क्लासिकल एग्जांपल है डीमोनेटाइजेशन, ठीक है? अब पूरा देश बैठा हुआ है डीमोनेटाइजेशन पे, कुछ लोग क्या बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन अच्छा है, ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन गलत है, ठीक? तो यू मे डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटी ऑफ एन एसोसिएशन, मतलब कोई एसोसिएशन भी है, मान लो कोई एसोसिएशन, जैसे क्या है BCCI हो गया, ठीक, BCCI को समझते ना, सब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो BCCI की कुछ पॉलिसीज हैं, आप हो सकता है उससे पसंद कर रहे हो उस पॉलिसी को, हो सकता है उस पॉलिसी को पसंद ना कर रहे हो, उन्होंने किसी और को कैप्टन बना दिया, तो हो सकता है आप उसे पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और मतलब आपके ओपिनियंस हैं। अब क्या है, यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज देम, और आप उन्होंने जो भी किया, गवर्नमेंट ने, किसी एसोसिएशन ने कुछ भी किया है, तो यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज देम, आप उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए फ्री हैं। क्रिटिसाइज क्या होता है, मतलब आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, एक कह सकते हैं कि पॉइंट आउट करके बता सकते हो कि हम इस चीज से पसंद नहीं, क्योंकि हमारे ये व्यू पॉइंट है, ठीक है? ऐसा अधिकतर होता है, कहां होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन होता है, एडिटोरियल सेक्शन में क्या होता है कि अलग अलग लोग, एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो रहती हैं, कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, कोई एडिटर है, कोई कुछ है, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं। आप पढ़ते हैं, आपको अच्छा भी लग सकता है, आपको खराब भी लग सकता है, लेकिन उन्हें आज़ादी है कि वो अपने व्यू पॉइंट को क्या करें, एक्सप्रेस करें। आया समझ में? तो ये वही बता रहे हैं क्या कि हर दोनों चीज़ों को आप रिलेट करो जरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों है? हर आदमी का अलग सोचने का, समझने का, चीज़ों को करने का नजरिया होता है। अब क्या होता है कि वो आदमी अब उस नजरिए के चलते गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के साथ एग्री हो सकता है, डिसएग्री हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन की किसी काम करने के तरीके के साथ एग्री हो सकता है, डिसएग्री हो सकता है। और अब जब उसका एक अलग तरीका है, तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहां पर राइट टू फ्रीडम है, और उस राइट टू फ्रीडम के चलते ही इज फ्री टू क्रिटिसाइज ऑल सच थिंग्स, ठीक है? जो भी हो रहा है उस चीज को क्रिटिसाइज करने की उसे पूरी पूरी आजादी है। अब आप बोलोगे क्रिटिसाइज कैसे करेगा, छत पे खड़े हो जाएगा और चिल्लाएगा, ठीक है? तो वो भी है, और उसके अलावा दूसरे भी तरीके हैं कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है। हाउ? तो वन में पब्लिशाइज हिज हर व्यूज थ्रू अ पैम्पलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर। मतलब आप ये तो कुछ एग्जांपल दिए, जैसे एक पैम्पलेट में लिख के अपनी चीजों को पब्लिशाइज कर सकते हो, ठीक है? जैसे हमने देखा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो फिलोसोफर्स होते थे वो अपने व्यू पॉइंट को कैसे पब्लिसाइज करते थे, ऐसे ही लिख के लोगों तक पहुंचाते थे, मैगजीन्स में लिखते थे, न्यूज़पेपर्स में लिख सकते हो आप, लोगों को बता सकते हो अपने बारे में, अपने व्यू पॉइंट के बारे में। आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप ऑडियोज के थ्रू कर सकते हैं, आप टीवी शो में जाके बोल सकते हो, आया समझ में, आप स्पीच दे सकते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं बाय विच यू कैन एक्सप्रेस यूर व्यू पॉइंट, ठीक है, थ्रू योर स्पीचेस एंड थ्रू योर एक्सप्रेशंस। क्लियर? ये हो गया। अब देखो क्या है, ये तो आपने समझा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों जरूरी होता है, कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या
while exercising freedom of speech and expression, you cannot use this freedom to instigate violence against other. Highlight करा मैंने इसे, ठीक है? Instigate violence against other. You cannot use it to incite people to rebel against government. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद में, neither can you use it to defame others by saying false means. ठीक है, to defame others by saying false and mean things that can cause damage to person's reputation. अब देखो यहाँ पे तीन चीज मैंने underline करी है. Instigate violence against others. ठीक है, incite people to rebel against government. और तीसरी चीज क्या है? To defame others by saying false and mean things. अब देखो क्या है, आप अपने freedom of speech and expression का इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते हो. आपका व्यू पॉइंट है, आप एक्सप्रेस करो, लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. यू कैनॉट इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स. मतलब ऐसा नहीं है, अब जैसे आपका व्यू पॉइंट क्या है कि आप पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपने धर्म को सही बता रहे हैं, दूसरे धर्म को गलत बता रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, हो सकता है कि दो धर्म के लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए. तो ऐसा नहीं करोगे आप, ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट उठा के जेल में डाल देगी आपको. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, कि आप जो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहे हो, यू आर इंस्टिगेटिंग वायलेंस अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, यू आर इंस्टिगेटिंग वायलेंस अमंग द टू कम्युनिटीज, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री. अब अगर ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे जिससे कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन चलते हुए गवर्नमेंट आपको रोकेगी, नहीं मानोगे तो जेल में डाल देगी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाइल एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यू कैनॉट यूज दिस फ्रीडम टू. पहला पॉइंट आया समझ में. दूसरा, यू कैनॉट यूज इट टू इंस्टिगेट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट दी गवर्नमेंट. आप ऐसा देखो, गवर्नमेंट मान, अभी जैसे आज का इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की खराब चल रही है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही है तो आप गवर्नमेंट को खूब जम के क्रिटिसाइज करो. वही मैंने बोला ना, यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज देम. आप मैगजीन में लिखो, आर्टिकल में लिखो कि पहले के समय में ऐसी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही थी, आज इकोनॉमी का स्तर यहां तक गिर चुका है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सही चल नहीं रही है, और तरह तरह की चीजें. आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए, और आप नहीं करोगे तो गवर्नमेंट सही काम भी नहीं करेगी. ठीक है, एक बोल सकते हैं, बीइंग अवेयर सिटीजन ऑफ योर कंट्री, यू मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वेर नीडेड. ठीक है, जहां जरूरत होगी आपको वहां पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट सही तरीके से काम करेगी. लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक ग्रुप बना रहे हो कि चलो अपन तो तख्ता पलट कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर को उनकी पोजीशन से हटा देंगे और डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप ले आएंगे. तो वो क्या कर रहे हो, आप वो गलत कर रहे हो. यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, हर चीज का सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप रेबल करो. बागी बनना मूवी में ही अच्छा लगता है. ठीक है, बागी मतलब रेबल. ठीक है, तो आपको यहां पे हर चीज में रेबल नहीं करना है, रेबल मेनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट. आप क्रिटिसाइज कीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट सुधरे, गवर्नमेंट को ये डर रहे कि नहीं लोग जागरूक हैं, लोग हमें सवाल कर सकते हैं. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अगली चीज, नाइदर कैन यू यूज इट टू डिफेम अदर्स. ठीक है, डिफेम अदर्स मतलब आप किसी दूसरे की मानहानि नहीं कर सकते हो. मानहानि मतलब क्या होता है, दूसरों का सम्मान होता है, सबका अपना अपना मान होता है ना. तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हो, आप क्या बोलोगे कि मेरी मर्जी, मेरी फ्रीडम है मेरे पास स्पीच की, एक्सप्रेशन की, और आप किसी और इंसान के बारे में गलत सलत लिख रहे हो. ठीक है, आप किसी और इंसान के बारे में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दे रहे हो, और ग्राउंड रियलिटी आए तो हम क्या मतलब और ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखें एग्जांपल, तो आप किसी के घर के सामने जाके उसे गालियां देना चालू कर दो. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे मैं तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो आदमी गेट खोल के आएगा बाहर और आपके सुंदर से चेहरे को बिगाड़ देगा. ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि यू कैन नॉट डिफेम अदर्स बाय सेइंग फॉल्स एंड मीन थिंग्स. मतलब आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज कीजिए बिल्कुल लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते. अगर आपके पास में वैलिड रीजन है, जैसे क्या है, विजय माल्या है, अब वैलिड रीजन यहां पे दिख रहा है कि वो भगोड़ा है, देश का पैसा लेके भागा है. ठीक है, तो वहां पे क्या है, आप क्रिटिसाइज कीजिए, खुल के कीजिए. लेकिन अगर उन्होंने पैसे लेके नहीं भागे होते और फिर भी आप क्रिटिसाइज कर रहे होते, डिफेम कर रहे होते एक तरह से, ठीक है, गलत तरीके से क्या कर रहे हो, यू आर सेइंग फॉल्स थिंग्स एंड मीन थिंग्स. ठीक है, मतलब अपने मतलब के लिए और लोगों को गलत ठहराने के लिए आप अगर कुछ गलत चीजें कह रहे हैं, जिससे लोगों की इमेज को क्या कर रहे हैं, आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते भी आप क्या कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. क्लियर है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा आपको हमेशा व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. क्लियर, तो ये तीन पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए हैं, तो ये क्या है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के ग्राउंड्स हैं. गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस ग्राउंड दैट इफ व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यू आर वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. क्लियर है,
आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों होती है, कैसे आप एक्सप्रेस करोगे और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? तो जो हमने राइट टू फ्रीडम टॉपिक खोला था, हमारा एक राइट खोला था, उसमें मैंने आपको एक राइट जो आपकी बुक में स्पेसिफिक दिया है उसे समझा दिया। इसी तरह से हम और जितने भी स्पेसिफिक टॉपिक्स होने अलग अलग वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको एक इनडेप्थ क्लियरेंस मिल जाए उन सारी चीजों की। क्लियर है? इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।